हेलो दोस्तों, आज हम अपने चैनल डब अनबॉक्सिंग कर आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और न्यू रेसिंग कार। ये एक हमारी स्टीयरिंग वाली रेसिंग कार और ये आ जाती है एक हमारी शनी रेसिंग कार की ओर से एक मॉडल। इस कार का आप देख सकते हैं और ये एक और सीरीज के अंदर आने वाली काफ़ी हाई स्पीड रेसिंग कार कहूँगा मैं इसको। तो चलिए जल्दी से, इसके बॉक्स तो बहुत ही अच्छा लगता है, फुल फंक्शन सीरीज कार है, तो चलिए जल्दी से इसके बॉक्स खोल लेते हैं। बॉक्स और बॉक्स बहुत ही प्यारा मिलता है हमें। तो अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो बने लास्ट तक, ओके। हम आपको इसको चला कर भी दिखाने वाले हैं। चलिए जल्दी से इसके बॉक्स को मैं कर लेता हूँ अनबॉक्स। तो चलिए जल्दी से, थोड़ा सा टेप लगा हुआ था, इस पर टेप हमने कट कर लिया है और मैंने इसको बाय किया है ऑनलाइन। आप इसे करना चाहते हैं ऑनलाइन बाय तो इसका लिंक आपको हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए जल्दी से बॉक्स से हम इसको निकाल लेते हैं और देखते हैं बॉक्स में हमें क्या मिलता है। तो आप देख सकते हैं बैटरी चार्जिंग डाटा केबल। तो आप देख सकते हैं हमें बॉक्स में मिला है, अंदर बॉक्स के नीचे की पार एक बैटरी मिल जाती है हमें इस कार को चलाने के लिए, हमारी इस रेसिंग कार को। और एक ये है हमारे चार्जिंग डाटा केबल। तो चलिए जल्दी से इनको रखते हैं साइड में और इसका रिमोट एंड इसको निकाल लेते हैं अपनी कार को और करते हैं कार एंड रिमोट की बात। तो बहुत ही प्यारे एंड साइज के अंदर हमें कार मिल जाती है, डिजाइन देख सकते हैं आप। तो चलिए जल्दी से इसको निकाल लेता हूँ इसके बॉक्स से। तो आप देख सकते हैं मैंने बॉक्स से निकाल लिया अपनी कार एंड रिमोट कर। तो पहले हम कार की बात कर लेते हैं क्योंकि हमें कार ही सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। वो तो सबसे पहले हमें कार ही देखने में एक्साइटमेंट बना रहता है। चलिए देखते हैं कार। तो कार का वेट तो बहुत ही कम मिलता है हमें और कार की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिल जाती है सबसे पहले। और कार का साइज़ हमें मीडियम कहूँगा मैं इसको और बहुत ही अच्छा मिल जाता है। और टायर भी इसके काफ़ी छोटे मिलते हैं और आप देख सकते हैं इसमें एक एडजस्ट व्हील भी मिल जाता है। और आप अपनी कार को ऐसे भी चला सकते हैं राइट हैंड लेफ्ट में टर्न करके, इससे आपकी कार ज़्यादा टर्न कर सकती है। और इसके अंदर आपको दिखा देता हूँ मैं पहले बैटरी कंपार्टमेंट भी। चलिए जल्दी से बैटरी कंपार्टमेंट में देखते हैं। तो बैटरी हमें इसके साथ मिलती है, हम इसको आपको बैटरी लगा कर दिखाएंगे। और ये मिल जाता है हमें एक चार्जिंग पिन जहाँ आप अपनी कार को चार्जिंग कर पाएंगे। और ऑन एंड ऑफ का स्विच आपको इधर मिल सकता है लेफ्ट हैंड में ही नीचे की ओर एक ब्लैक कलर का। जब आप उसको कार को परचेस करें तो देख सकते हैं आप हमें स्विच यहाँ मिलने वाला है इसको देख सकते हैं। और ब्लैक कलर इसमें मिरर लगे हैं और उसका डिज़ाइन देख सकते हैं आप पीछे। कुछ डिज़ाइन देखने में ऐसा लगता है जैसे लंबरगिनी कार हो, लंबरगिनी जैसे कार का हमें इसका पीछे का लुक मिलने वाला है। और पीछे कोई लाइन प्लास्टिक डिज़ाइन से लाइट बनाई हुई है। विंडो तो इसकी आपकी परमानेंट क्लोज मिलती है, ओपन नहीं होती। अंदर आप देख सकते हैं सामने फ्रंट में लगी हुई है टू लाइट। कार की क्वालिटी हमें ठीक ठाक मिल जाती है। और चलिए मेरी रिमोट की बात को, रिमोट इसका बहुत ही प्यारा सा मिल जाता है। जैसा कलर हमें कार का तो ऐसे ही हमें एक रिमोट में कलर मिल जाता है ऑरेंज कलर, और ब्लैक कलर भी हमें मिल जाता है बीच। तो रिमोट तो हमारे हैंड में काफ़ी अच्छे से फील हो जाता है। देख सकते हैं आप गोल सर्किल जैसे इसमें बटन लगे हैं रिमोट में, आप देख सकते हैं। और इससे हम अपनी कार को आगे चला पाएंगे, इससे पीछे एंड राइट एंड लेफ्ट आप देख सकते हैं। चलिए राइट के अंदर मैं आपको बैटरी डाल के दिखा देता हूँ, अगर दिखा देता हूँ अपनी कार को देखते हैं चलाकर। हमारी कार कहीं डैमेज तो नहीं मिलती क्योंकि मैंने इसको ऑनलाइन मंगाया फ्लिपकार्ट की ओर से, और आप इसे अमेजोन से मंगा सकते हैं और कई कलर के अंदर आप इसको मंगा सकते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं। और कार के अंदर भी बैटरी डालनी होगी कोई नहीं, चलिए मैं जल्दी इस बैटरी टेप पोटा के दिखाते हैं उसके डालकर। तो मैंने थ्री बैटरी इसके अंदर निकाली और बैटरी की कैपेसिटी बताऊं तो 100 एमएच की बैटरी, वाओ, तीनों सेल हमें जो इसके साथ बैटरी मिलती है। ये एक हमारी रिचार्जेबल रेसिंग कार और आप इसे रिचार्जेबल भी कर सकते हैं इन सेलों को। और सेल बॉक्स भी मिल जाती है हमें इंक्लूडेड, बहुत अच्छी बात है। बहुत सी कार के साथ हमें बॉक्स में इंक्लूडेड बैटरी नहीं मिलती, पर इस कार के साथ हमें बैटरी इंक्लूडेड मिल जाती है इसके बॉक्स में ही, आप देख सकते हैं। और चलिए मैंने इसको कर दिया क्लोज और देखते हैं स्विच को ऑन करके, आप देख सकते हैं देखते हैं चलती है नहीं। तो मैंने ऑन कर दिया ऑन, वो तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं स्पीड कितनी ज़्यादा मिल जाती है आप टायर की, और साउंड भी सुन सकते हैं आप देख सकते हैं। और पीछे भी आप चला सकते हैं, और जब आप इसे आगे चलाते हैं आप देख सकते हैं लाइट लगी हुई है आगे दोस्तों, इसमें लगी हुई है ब्लू कलर की लाइट ऊपर की, हमें जो उसकी लाइट के ऊपर बॉडी मिलती है वो एक वाइट कलर की ट्रांसपेरेंट लाइट बनी हुई बहुत ही अच्छी गुड क्वालिटी की, और उसके अंदर लगी हुई है देख सकते हैं आप। आगे चलाएंगे तो ब्लू कलर के बल्ब लगे हुए हैं इसके अंदर लाइट के, राइट एंड लेफ्ट में आप देख सकते हैं। इस साइड में आपको मिल जाते हैं रिमोट के अंदर आप देख सकते हैं राइट एंड लेफ्ट के बटन, तो इससे आप अपनी कार को राइट एंड लेफ्ट में चला सकते हैं। इस रेसिंग कार को जब आप रिमोट को दबाते हैं यहाँ राइट एंड लेफ्ट के लिए, तो कोई भी अगर आप इसे आगे चलाएंगे पीछे भी गाड़ी को अपनी, तो इसमें हमें एक लाइट इंडिकेटर मिल जाएगा। बीच का डिज़ाइन भी आप काफ़ी अच्छा लगता है, जैसे कार का स्टीयरिंग हो, रियल कार जैसे स्टीयरिंग बिल्कुल ऐसी फील हमें देता है इस कार को। तो आप इसे परचेस करना चाहते हो मैं रिकमेंडेड करूँगा आप इसे परचेस कर लो, इसका लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में है और बहुत ही अच्छे प्राइस रेंज के अंदर मिल जाती है, वो भी एक हमारी रिचार्जेबल कार। आपको कार के लिए कोई बैटरी नहीं खरीदनी होगी क्योंकि बैटरी हम इसके बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए मैं बता देता हूँ इसका चार्जिंग डाटा केबल आपको कैसे चार्ज करेंगे। तो आप देख सकते हैं नीचे की तरफ ही आप इसके पिन को अंदर अटैच करके अपने मोबाइल चार्जर से इस कार को चार्ज कर सकते हैं। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी कार, और आपको भी कार अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट करके बताएं आपको कार में क्या कमी लगी, कार कैसी लगी। तो चलिए इसको लेकर चलते हैं हम बाहर, क्योंकि हम बाहर ले गए अगर आप उसको दिखाने वाले चलेंगे अभी वीडियो में बने दोस्तों लास्ट तक। आप दिखाते हैं इसकी बाहर जाकर स्पीड एंड इसकी रिमोट रेंज।
आप देख सकते हैं दोस्तों, राइट में हमारी कार काफ़ी अच्छे से कर लेती है वर्क। देख सकते हैं दोस्तों हमारी रेसिंग कार,